अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता बदेन आज जिला कलेक्टर पहुंची और उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर अतिवृष्टि के कारण दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की स्थिति और नाला निर्माण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही के चलते दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बनी रहती है। अब नई सरकार आने के बाद नालों के निर्माण को लेकर बजट आवंटित किया गया है, जिस पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए, इसकी मांग भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में जल भराव को लेकर निकासी के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन अगली बारिश में ऐसी स्थिति ना हो इसे लेकर पहले ही व्यवस्था कर ली जानी चाहिए, जिससे कि इस तरह के हालात फिर न बने। उन्होंने कहा कि आना सागर के एस्केप चैनल कॉलोनियों के बनने से पहले ही बने हुए थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण गंदे पानी के नाले भी उसी में जोड़ दिए गए, जिसके कारण वह ओवरफ्लो होते हैं। इसका नुकसान स्थानीय जनता को उठाना पड़ता है। ऐसे में इसकी अलग व्यवस्था हो, इसे लेकर भी जिला कलेक्टर से अनुरोध किया गया है और क्षेत्र में व्यवस्थाएं मुकम्मल करने पर चर्चा की गई। देखिए, वर्षा ऋतु का समय है और वर्षा ऋतु के समय में हमारे जो शहर की लो लाइन एरियाज होते हैं वो पानी से जलमग्न हो जाते हैं, इसलिए पानी से जलमग्न होने के कारण से लोगों को परेशानी होती है। उसी के संदर्भ में जिला कलेक्टर महोदय, चूँकि आज मीटिंग थी और अमृत जी के डेथ के कारण से वो कैंसिल हो गई, मैं मीटिंग के संदर्भ में ही मिलने के लिए आई थी, मीटिंग में ही आई थी, पर मेरे को यहाँ आने के बाद पता पड़ा कि मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए मैंने उनसे जनरल चर्चा की है कि पानी की समस्या का समाधान होना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का शासन है, डबल इंजन की सरकार है, तो हमने भी प्रयत्न किया, 46 करोड़ रुपये इसके सेंक्शन हुए हैं। आने वाले समय में उन नालों के बनने से हमको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। अभी पानी भर रहा है उसका क्या हिसाब? अभी कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो हम वापस उसमें 46 करोड़ रुपए हमने सेंक्शन कराया पानी की निकासी के लिए, तो जैसे ही काम शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाली वर्षा ऋतु में ये समस्या नहीं रहेगी। आना सागर एस्केप चैनल भी खुला गया, वो पानी लगातार चल रहा है। देखो, आना सागर का तो एस्केप चैनल ही आना सागर के पानी के लिए बना है। अब गलती हमारी है कि हमने उन गली से कॉलोनी से निकलने वाले सारे नाले एस्केप चैनल में जाके छोड़ दिए, ये गलती हमारी है, एस्केप चैनल की गलती नहीं है। एस्केप चैनल तो अजमेर दक्षिण में जिस जगह बसावट हुई है उस जगह से पहले ही एस्केप चैनल बना हुआ, क्योंकि आना सागर झील तो और भी पुरानी है, तो हमने सारी बस्तियों के पानी को एस्केप चैनल में छोड़ दिया। हमारी कोशिश रहेगी कि एस्केप चैनल में छोड़ने की बजाय उनको और कहीं मार्ग उनको दिखाया जाए, ताकि एस्केप चैनल का लेवल जब वो फुल वेग से भरे तो कॉलोनियों का पानी भी निकल सके। लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? प्रशासन ने व्यवस्थाएं की अपनी तरफ से, उनके रहवास की और बाकी व्यवस्थाएं, जो रहना चाहते हैं पानी निकालने के लिए मड पंप लगे हैं, मड पंप लगाए जगह जगह पर।